हमारी की मामी सिवैया ईद स्पेशल रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नास, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लाई हूं ईद स्पेशल रेसिपी की मामी सिवैया। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने सिवैयाँ लिया है जो कि लगभग एक बाउल है, जो लगभग 200 ग्राम है। ये मैंने पहले से ही रोस्ट कर लिया था। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने कट कर लिया है। ये मैंने घी लिया है जो कि 2 टेबल स्पून है। ये खोया लगभग 300 ग्राम है। ये शक्कर मैंने लिया है, आप जितनी भी सिवैयाँ लेंगी शक्कर उसकी डबल होती है। ये मैंने शक्कर लिया है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए मैंने घी डाला इसमें जो कि लगभग 2 टेबल स्पून है। मैंने इसको डाल दिया है एक बाउल में। अब मैं इसको हल्का सा गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो इसमें हल्का हल्का आँच आने लगेगी तो मैं इसमें 2-3 हरी इलायचियाँ और 2 लौंग डालूंगी इसमें। देखिए हमारा घी हल्का सा गर्म हो गया। अब इसमें मैं 2 इलायची और 2 लौंग डालूंगी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। देखिए मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। देखिए मैंने इसे पानी ऐड कर दिया है जो कि मैंने 2.5 कप लगभग लिया था। अब मैं इसमें शक्कर ऐड करूंगी। देखिए मैंने शक्कर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी और फ्लेम को मैं तेज़ी रखूंगी और एक बॉयल होने पर फ्लेम मैं धीरा कर दूंगी। देखिए मेरा पानी पक रहा है इसमें जो कि मैंने शक्कर डाला था। अब मेरा ये शीरा तैयार हो रहा है। जब हमारी शक्कर रिजॉल्व हो जाएगी, जब हमारी शक्कर घुल जाएगी तो अपनी फ्लेम को हम धीरा कर देंगे। देखिए हमारा शीरा पक रहा है, इसमें बॉयल भी आ गया है। अपने फ्लेम को हम अब धीरा कर देंगे। देखिए हमारा ये बॉयल हो रहा है शीरा। अब इसमें हल्का सा फूड कलर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकती हैं। देखिए मैं इसको डाल रही हूँ ताकि एक अच्छा कलर आ जाए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, एक बढ़िया टेक्सचर के लिए, एक बढ़िया से कलर के हम ज़रा सा फूड कलर यूज़ करते हैं। 2 से 3 मिनट तक हम इसमें शीरे को पकाएंगे। अब इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। क्या अभी इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए थे थोड़े मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिए और थोड़े मैं इसको ऐड करूँगी ताकि हल्के से मेरे ड्राई फ्रूट्स थोड़े से हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक इसको पकाऊंगी मैं, फिर मैं इसमें सिवैयाँ ऐड करूँगी। फ्लेम को मैं मीडियम रखूँगी, इस तरीके से पकाऊंगी मैं। देखिए हमारा शीरा लगभग बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें सिवैयाँ ऐड करूंगी। अब मैं इसमें 1 कप ये दूध ऐड करूंगी। मैंने आपको उसमें दिखाया नहीं था बट मैं भूल गई थी। देखिए अब मैं इसमें सिवैयाँ ऐड करूंगी। मैंने सिवैयाँ को ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगी मीडियम आंच पर ताकि हमारी सिवैयाँ अच्छे से गल जाएं।
10 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। देखिए हमारी सेवइयाँ बनकर एकदम परफेक्टली तैयार हो गई हैं, जितनी खूबसूरत देखने में ही उतनी लाजवाब खाने में है। अब इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और खूब अच्छे से डेकोरेट करके इसको सर्व करेंगे और ईद की पर बहुत सारी तारीफ़ें बटोरेंगे। खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए और तारीफों के फूल बटोरिए। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं एक सर्विंग ट्रे में। देखिए हमारी किमामी सिवैयाँ बनकर तैयार हो गई, देखने में कितनी खूबसूरत हैं और खाने में उतनी ही लाजवाब। देखिए इसका टेक्स्चर कितना अच्छा है और कितने अच्छे से मैंने डेकोरेट किया है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा अपने घर पर। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बनाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाया है, बहुत अच्छी बनी है। आप इसे खाइएगा, अपने मेहमानों को भी खिलाइए और ईद पर बहुत सारी तारीफ़ें बटोरिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।